हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार बेटा, आप सभी को हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण का आप देख रहे हैं, यहाँ पे शीर्षक दिया गया है शब्द एवं पद। अब पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। हिंदी व्याकरण 5 विशेष टॉपिक हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक शब्द एवं पद, दूसरा टॉपिक अनुस्वार अनुनासिक, लिखते रहिएगा बेटा साथ साथ में, अनुस्वार एवं अनुनासिक। तीसरा टॉपिक उपसर्ग तथा प्रत्यय, इनका भी कोई लिमिट क्राइटेरिया नहीं है, उपसर्ग तथा प्रत्यय, ठीक है। चौथा टॉपिक है आपका, वो है शब्द विचार, ध्यान दीजिएगा बेटा, पूरी वोकेबुलरी आ जाती है शब्द विचार में। शब्द विचार में मेन कौन से हैं, यहाँ पर पहला आता है विपरीतार्थक शब्द, दूसरा आता है समानार्थक शब्द, और तीसरा आता है समानार्थक शब्द, और तीसरा आता है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। थर्ड पॉइंट कौन सा है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अब ये कितने सारे होते हैं, है ना, और सारे के सारे हमें पढ़ने हैं और लर्न भी करने हैं, रिटर्न फॉर्म में भी होने चाहिए और लर्निंग भी पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। और लास्ट टॉपिक है वो है आपका वाक्य, वाक्य में भी कौन से, अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य। यानी हिंदी व्याकरण के आपके ये टॉपिक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इन 5 महत्वपूर्ण विषयों में से ही आपके प्रश्न तैयार किए जाएंगे। प्रश्न का फॉर्मेट क्या रहेगा, हर एक टॉपिक में से जो प्रश्न बनेंगे, एक टॉपिक के 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उनमें से करने अपने को 4-4 हैं, और हर एक का 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको चुनना है, और उस करेक्ट ऑप्शन को चुनते हुए आगे का काम, यानी उसमें आंसर आपको देते चलना है, ठीक है। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक है हमारा शब्द एवं पद, कौन सा है, शब्द एवं पद। बेटा हमने हिंदी व्याकरण तो अपनी थर्ड और सेकंड क्लास से भी पढ़ी है। थर्ड और सेकंड क्लास में सबसे पहले जब भी हमने हिंदी व्याकरण की तरफ हमारा ध्यान दिया, यानी हिंदी लिखना और बोलना और पढ़ना हमें कब आया, जब हमने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी। वर्णमाला जानते हैं, अ से लेके ज्ञ तक के जिसमें अक्षर है, यानी वर्ण, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। हमने बोला कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। वर्ण क्या होते हैं बेटा, है ना, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण, वर्ण का ही दूसरा नाम होता है अक्षर। अक्षर का क्या अर्थ है, अ यानी नहीं होता, क्षर यानी विभाजन, अर्थात वे ध्वनियां जिनका और विभाजन नहीं किया जा सकता, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनके खंड नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाते हैं, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। यानी हिंदी के अंदर जब भी हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण है, जिसे अक्षर कहा जाता है। यानी ये क्या है, ये वे स्वतंत्र ध्वनियां हैं, ये वे स्वतंत्र ध्वनियां हैं जो हमारी हिंदी भाषा की मूल इकाई मानी जाती है, और जिनके खंड नहीं किए जा सकते वो कहलाते हैं वर्ण, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ लिए वर्ण। अब वर्ण से हम थोड़े और जब आगे ग्रोथ करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम किसका अध्ययन करते हैं, यानी वर्णों को हमने मिलाया। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, क के साथ अ का स्वर मिला, फिर म के साथ अ का स्वर मिला, फिर ल के साथ अ का स्वर मिला, है ना। जब क म ल इनको मिला करके पूरा शब्द क्या बना, कमल। अरे वाह, यानी हमने क्या किया, वर्णों को मिला करके एक नवीन क्या बनाया, शब्द। तो यहाँ पे हमारी फिर से एक परिभाषा आती है, किसके विषय में, शब्द के विषय में। यानी जब स्वतंत्र ध्वनि वर्ण, इन वर्णों का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित और सार्थक मेल किया जाता है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि कौन सा, क्रमबद्ध, ठीक है, सुव्यवस्थित और सार्थक मेल किया जाता है। सार्थक मेल यानी मिलान किया जाता है, मेल या मिलान किया जाता है किसका, वर्णों का। जब वर्णों का क्रमबद्ध
सुव्यवस्थित और सार्थक मेल किया जाता है। क्रमबद्ध क्या होता है, यानी इनमें जो वर्णों का क्रम है वो सही होना चाहिए। सुव्यवस्थित का क्या अर्थ है, यानी तरीके से इनका गठन करना चाहिए। और सार्थक का क्या अर्थ है, यानी जिसका गठन करके जो शब्द निर्माण हुआ है वो कोई ना कोई निश्चित अर्थ अवश्य देता है। यानी वर्णों का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित और सार्थक मेल क्या कहलाता है, वो कहलाता है शब्द। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा दो तरह की जानकारी। सबसे पहला, भाषा के निर्माण की सबसे छोटी और मूल इकाई कहलाती है वर्ण, और इन्हीं वर्णों को हम अक्षर या स्वतंत्र ध्वनियां कहते हैं जिनके और खंड नहीं किए जाते। जब इन्हीं वर्णों को हम मिलाते हैं, जब इन्हीं वर्णों का आपस में मेल किया जाता है, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित और सार्थक मेल किया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं शब्द। यानी हम अपने महत्वपूर्ण टॉपिक तक तो पहुंच गए जो कहता है शब्द। शब्द के आगे का टॉपिक और है, शब्द एवं पद, है ना। शब्द की यहाँ पे परिभाषा आ गई कि वर्णों का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित और सार्थक जो मेल है वो कहलाता है शब्द। ठीक है, अब शब्द क्या है, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, शब्द के स्रोत कौन कौन से हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कई तरह के प्रश्न तुरंत हमारे दिमाग में कौंधने लगते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं। तो सबसे पहले हम शब्द की पहली एक डिटेल में जानकारी लेंगे, विस्तार से एक जानकारी हासिल करेंगे कि शब्द शब्द होने के लिए उनमें किन किन गुणों का और किन किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। ऐसे ही किसी को हम शब्द कह देते हैं क्या? मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा प त ल ज, अब यहां पर इनका मिलान करके एक नया शब्द बना पतलज। पतलज क्या कोई शब्द है? यहाँ पर ये समीक्षा तो बिल्कुल सही ठहरती है कि वर्णों का मेल, यहाँ पे वर्णों का मेल हो रहा है, वर्णों का मेल तो हो रहा है, लेकिन सार्थक नहीं है, बल्कि ये तो क्या है, बिल्कुल निरर्थक है। यानी पतलज तो कोई ऐसा शब्द ही नहीं है जिसका कोई अर्थ आता हो, जहां वर्णों का मेल है लेकिन वो भी निरर्थक है, तो उसे हम सही शब्द नहीं काउंट करेंगे। समझ आ गई बात? वर्णों का मेल अगर आप डेफिनेशन दे देते हो और ये कहते हो कि हमने तो जो मैडम ने बताई थी वही परिभाषा दी कि वर्णों के परस्पर मेल को शब्द कहते हैं, लेकिन मैडम ने तो यहाँ पर आपको तीन शब्दों पर ध्यान लगाने की बात कही है कि वर्णों का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तथा सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। जब शब्द की परिभाषा में इन तीन शब्दों का अच्छे से प्रयोग करके आप उस डेफिनेशन को क्लियर करोगे, तभी वो शब्द की परफेक्ट डेफिनेशन होगी, जो उपयुक्त परिभाषा है तभी कही जाएगी, वरना नहीं कही जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्णों का मेल तो ये भी है लेकिन ये किसी सार्थक अर्थ को व्यक्त नहीं करता, इसलिए ये क्या कैसा शब्द कहलाया, निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द होने के लिए उनमें किन किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? तो सबसे पहली विशेषता, शब्द की क्या विशेषताएं होती है, देखिए ध्यान देना, शब्द शब्द क्या है, वर्णों का सार्थक मेल। ठीक है, पहली विशेषता तो ये हो गई, शब्द क्या है, शब्द है वर्णों का सार्थक मेल। और शब्द क्या है, शब्द अपने आप में कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। शब्द कैसा होता है, स्वतंत्र। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कमल, मैंने लिखा तालाब, मैंने लिखा बाग, मैंने लिखा खिलता, ये क्या है, अपने आप में स्वतंत्र है। अलग अलग लिखे हैं इसलिए ये क्या है, अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है, शब्द अपने आप में स्वतंत्र हो गए। तीसरी बात शब्द की क्या है, शब्द का एक विशिष्ट अर्थ होता है। विशिष्ट अर्थ यानी शब्द अपना एक विशेष अर्थ जरूर देता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा कमल, तो कमल नाम सुनते ही तुरंत उसका विशेष अर्थ हमारे दिमाग में आता है, कमल क्या है, एक पुष्प का नाम है। मैंने लिखा तालाब, तो तुरंत हमें वो जलाशय दिखने लग जाता है कि जिसके विषय में हमने अपनी हिंदी व्याकरण में पढ़ा कि तालाब यानी जल का एक स्रोत जो है उसे तालाब की संज्ञा दी जाती है। यानी जब भी हम शब्द को बोलते हैं तो शब्द के अंदर एक विशिष्ट अर्थ निहित होता है। ठीक है, और शब्द क्या है, शब्द के अंदर कारक की विभक्ति,
कारक की विभक्ति और व्याकरणिक नियम, व्याकरण के नियम जो हैं वो कैसे होते हैं, इनसे वो मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। यानी शब्द के अंदर कारक की विभक्ति यहाँ लगेगा क्या? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से अलग, संबंध का के की, ऐसे कुछ लगते हैं क्या? सिंपल एक जो पर्टिकुलर वर्ड है, एक विशेष शब्द है, उसके साथ कारक की विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है। कब होता है? जब इस शब्द को हम किसके अंदर लिखें? वाक्य के अंदर लिखें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कमल का पुष्प तालाब में एक बाग के सामने खिला हुआ है, या एक बाग में देखा कि तालाब में कमल का पुष्प खिला हुआ है। में खिला, में विभक्ति लग गई, तो ये विभक्ति कारक की लगी। कब लगी? जब इस शब्द को मैंने किसमें लगा लिखा? वाक्य के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मतलब यहाँ कहने का क्या है कि शब्द जो अपने आप में शब्द है, वो शब्द वर्णों का सार्थक मेल होता है, वो शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है, उस शब्द का एक विशेष अर्थ होता है, और उस शब्द में कारक की विभक्ति या व्याकरण के नियम नहीं होते हैं। अर्थात कारक की विभक्ति और व्याकरण के नियमों से वो क्या होता है? मुक्त होता है। ठीक है, यानी उनसे फ्री रहता है जब तक वो एक वर्ड के फॉर्म में है। अब इसी वर्ड को हम किसमें? सेंटेंस के अंदर अगर उसको काम में ले दें। देखिए, मैंने यहाँ अभी तक आपके सामने तीन तरह की जानकारी दी कि सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ण क्या है, भाषा की मूल इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसे अक्षर भी कहा जाता है या स्वतंत्र ध्वनि भी कहा जाता है। जब इन्हीं वर्णों या अक्षरों को क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सार्थक ढंग से मिला करके लिखा जाता है तो वो कहलाते हैं शब्द। शब्द में वर्णों का मेल होता है जिसके आधार पर वो सार्थक भी बनता है और निरर्थक भी बनता है। जिसका एक निश्चित अर्थ आता है वो तो कहलाएगा सार्थक मेल, और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है वो कहलाता है निरर्थक शब्द। यानी शब्द के अंदर उसके सार्थक होने के क्या क्या गुण होने जरूरी हैं? तो शब्द जो होता है वो वर्णों का सार्थक मेल होता है, शब्द जो होता है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, शब्द जो है उसका एक विशेष अर्थ होता है, और शब्द जो है वो कारक की विभक्तियों और व्याकरण के नियमों से मुक्त होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि वर्ण, वर्ण से बना शब्द, यानी शब्द के अंदर कौन कौन सी विशेषताओं या गुणों का होना आवश्यक है। अब ये शब्द कहाँ से आए? हिंदी व्याकरण के अंदर हम खूब सारे शब्दों के विषय में अध्ययन करते हैं। ये शब्द आए कहाँ से? इन शब्दों की जानकारी कैसे प्राप्त हुई? इन शब्दों के विषय में हमने इनके अर्थों के विषय में किस तरह से नॉलेज ली? ये सारी बातें जो है अब हम पढ़ते हैं। देखिए, आपने अपनी पुरानी कक्षाओं में भी पढ़ा है शब्द, यानी शब्दों का हमने क्या किया कि शब्दों का हमने किया वर्गीकरण। भाई शब्द कहाँ से आए हमारी वोकेबुलरी के अंदर, यानी शब्दकोश के अंदर ये शब्द कहाँ कहाँ से आए? तो सबसे पहले शब्द आए उत्पत्ति के आधार पर, यानी शब्दों की उत्पत्ति हुई उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति होना यानी उत्पन्न होना। कैसे उत्पन्न हुए शब्द? तो शब्द उत्पन्न हुए तत्सम शब्द से, तत्सम यानी संस्कृत के शब्दों से। शब्द उत्पन्न हुए तद्भव शब्दों से, यानी संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयुक्त किया गया है। शब्द उत्पन्न हुए देशी भाषाओं के शब्दों से, देशज शब्दों से। और शब्द उत्पन्न हुए विदेशज शब्दों से, विदेशज यानी आगत शब्दों से, है ना, जो बाहर की भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है इसका और भेद कि शब्द जो है बनावट के आधार पर भी बने। बनावट के आधार पर कैसे कैसे शब्द बने भाई? तो आपको अपनी पुरानी कक्षाओं की याद आ रही होगी जहां मैं आपको बता रही हूं कि बनावट के आधार पर कुछ शब्द होते हैं रूढ़ शब्द, जो अपना एक पुराना अर्थ लेकर के बैठे हैं। अगर नाम लोगे ना आपके लोटा, तो लोटा शब्द क्या है, इसका समानार्थी क्या होता है, कुछ नहीं पता। इनका दो हिस्सों में विभाजन कर दिया जाए तो कोई अर्थ नहीं देता, लेकिन वो अपना एक विशेष अर्थ देता है। तुरंत हम कहें कि एक लोटा पानी दीजिए तो लोटा शब्द जो है अपना विशेष अर्थ रखता है। क्यों? क्योंकि वो सदियों से, यानी पुरानी रूढ़ियों से अपना एक रूढ़ अर्थ देता है। यहाँ पे दूसरे शब्द आते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द है जो दो अलग अलग शब्दों के मेल से बनता है। जैसे मैंने लिखा विद्या प्लस आलय, दोनों को मिला करके एक नवीन शब्द बन गया, कौन सा?
विद्यालय, यानी दो अलग अलग शब्दों को मिला करके जो नवीन शब्द मिला, अगर इसको भी हम तोड़ दें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हिम यानी बर्फ और बर्फ से बना हुआ घर यानी आलय, हिम अलग शब्द है, आलय अलग शब्द है, या मैंने लिख दिया यहाँ पे घोड़ा, है ना, और इसके साथ में मैंने एक शब्द लिख दिया सवार, है ना, घोड़ा अलग शब्द है और सवार होना अलग शब्द है, लेकिन इनको मिला करके एक नया शब्द बना, जैसे मैंने इसको बना दिया नया शब्द क्या बना, घुड़सवार, और इसका शब्द क्या बना, हिमालय। अब इनको अगर हम तोड़े तो इसका भी अर्थ आता है और इसका भी अर्थ आता है। इन शब्दों को कहते हैं हम बनावट के आधार पर यौगिक शब्द, ठीक है जी। अब तीसरा शब्द कौन सा बनता है, वो कहलाता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ यानी इसमें यौगिक का योग भी आ गया और रूढ़ शब्दों का रूढ़ भी आ गया। इसका क्या अर्थ है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा दशानन, ठीक है, इसमें दो शब्द है, एक तो दश और दूसरा शब्द है आनंद। आनंद यानी मुख, दश यानी संख्या में दस, दस और मुख, दस मुख है जिसके, अर्थात कौन था वो, तुरंत दिमाग में हमारे आंसर आ जाते हैं कि और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था बल्कि वो तो कौन था, रावण था। यानी वे शब्द जो बनते तो यौगिक शब्दों की तरह है, दो अलग अलग शब्दों के मेल से जिनका निर्माण होता है, लेकिन वो भी अपना सामान्य अर्थ नहीं देते बल्कि कोई विशेष अर्थ देते हैं जो कई रूढ़ियों से कई समय से अपने पुराने अर्थ के लिए ही प्रयुक्त होता रहा है। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अब हो गया बनावट के आधार पर, फिर आता है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, अब व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द जो है ना उनको दो हिस्सों में बांटा, किन हिस्सों में बांटा, दो हिस्सों में, एक तो व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर आता है विकारी शब्द, भाई जिनमें विकार आता है, और दूसरा आता है अविकारी शब्द, भाई जिनमें विकार नहीं आता। अब तुरंत आप घर बैठे सोच रहे होगे कि अरे मैडम विकारी और अविकारी, विकारी शब्द होता क्या है, तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको समझाती हूँ। पहले इसका चौथा प्रकार और देख लेते हैं कि अर्थ के आधार पर भी शब्द, अर्थ के आधार पर भी कई सारे शब्द होते हैं। कैसे, अर्थ के आधार पर होता है एकार्थक शब्द जिनके एक ही अर्थ आते हैं, दूसरा विपरीतार्थक शब्द जिसे आप विलोम शब्द कहते हो, तीसरा समानार्थी शब्द जिसे आप पर्यायवाची कहते हो, चौथा समरूपी भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में अंतर होता है, जैसे प्रणाम तथा प्रमाण, सुनने में तो एक जैसे हैं लेकिन उनमें अंतर होता है, जैसे अस्त्र तथा शस्त्र, जैसे दीन और दिन, कई ऐसे शब्द हैं जो सुनने में तो एक जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। और इसी तरह से पांचवा है अनेकार्थक शब्द, यानी जो अपने एक नहीं बल्कि कई अर्थ देते हैं। कई अर्थ कैसे, जैसे मैंने लिखा कर, कर का होता है, कर यानी संस्कृत में हाथ भी होता है, कर देना यानी टैक्स भी होता है, और कर यानी हाथी की सूंड भी होती है। शब्द एक ही है लेकिन इसके अनेक अर्थ आ गए, है ना। तो इस तरह के कई शब्द भी आपने अपनी पुरानी कक्षाओं में पढ़े हैं। हमें जिस विषय से ज्यादा सारोकार है या जो हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है वो है विकारी तथा अविकारी। क्यों, क्योंकि व्याकरण में अगर इसका प्रयोग करें तो इस आधार पर शब्द जो है दो हिस्सों में बांटा गया है, एक आता है विकारी और एक आता है अविकारी। ध्यान देना बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा बच्चा, बच्चा शब्द किसमें आता है, संज्ञा में आता है। संज्ञा भी कौन सी, बच्चा तो किसी एक का नाम थोड़ी लिया है, बच्चे में तो सारे बच्चे शामिल हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा लाल, लाल यहाँ पर विशेषण शब्द है, या लाल की जगह जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ काला, एक शब्द मैंने यहाँ पे विशेषण का लिख दिया काला, काला शब्द विशेषण का आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा वह, वह सर्वनाम आ गया, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, और मैंने यहाँ पे लिखा जाता, जाता क्या है, क्रिया, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, इन शब्दों में लिंग
वचन, कारक, काल, इन आधारों पर यदि परिवर्तन आता है, किन आधारों पर? मैंने बोला कि लिंग, वचन, कारक और काल, भाई लिंग चेंज करके अगर वहां पर बदलाव किया जा सकता है तो बच्चा शब्द है, बच्चे में जेंडर चेंज किया तो क्या बन गया? बच्ची, यानी इसमें चेंज पॉसिबल है। मैंने यहाँ पे लिखा वह, वह की जगह लिख दिया मैंने यह, है ना, जात काला, काला की जगह मैंने लिख दिया काली है, और जाता है की जगह मैंने लिख दिया जाती है। तो जब यहाँ पे कर्ता चेंज हो रहा है उसके आधार पर विशेषण और क्रिया दोनों में बदलाव आता है, ठीक है ना। तो विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, इन आधारों पर परिवर्तन आता है। और वे शब्द कौन से हैं? वे हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन आता है, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द, ठीक है। बिल्कुल इसके विपरीत क्या हो जाएगा? अविकारी शब्द। यानी अविकारी वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल, इन आधारों पर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक टेबल बना के समझा देती हूँ। एक टेबल बनाते हैं हम यहाँ पर, और टेबल बना करके इन शब्दों में अंतर पता करते हैं, किन शब्दों में? विकारी और अविकारी में। विकारी वे शब्द होते हैं, पहले तो हम लिखेंगे किन आधारों पर बदलाव आता है। वो आधार मैंने लिख दिए लिंग, वचन, कारक और काल, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड किया, ये तो है विकारी शब्द, ठीक है, और ये है अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द यानी विकार आना, यानी परिवर्तन आना, जिसमें परिवर्तन आता है, और इसमें क्या है? परिवर्तन नहीं आता है, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। समझ रहे हो आप बात को? किन में परिवर्तन आता है? तो मैंने यहाँ पे विकारी को चार हिस्सों में बांटा। सबसे पहला आता है संज्ञा, दूसरा आता है सर्वनाम, तीसरा आता है क्रिया और चौथा आता है विशेषण, ठीक है। मैंने आप फिर से बता रही हूँ बेटा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो संज्ञा, संज्ञा में मैंने संज्ञा शब्द लिया लड़का, संज्ञा शब्द है ये लड़का, में जातिवाचक संज्ञा है। अब इसमें लिंग बदल सकते हैं, लड़का का क्या हो जाएगा? लड़की। वचन के आधार पर यानी नंबर चेंज कर सकते हैं, लड़का तो बहुत सारे होंगे तो क्या हो जाएगा? लड़के। बदला जा सकता है, यानी इसमें परिवर्तन संभव है। मैंने लिखा सर्वनाम, सर्वनाम में मैंने लिखा यह, यह के बहुवचन बना दो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा ना। यह का दूसरा बदलाव कर दो क्या बन जाएगा? वह, तो इसमें भी परिवर्तन संभव है। मैंने लिखा क्रिया, क्रिया मैंने लिखा जा, जा में प्रत्यय जोड़ा जाता, जा में प्रत्यय जोड़ा ना जाना, है ना, इसी तरह से एगा जाएगा, तो काल के आधार पर भी इसमें परिवर्तन आता है। मैंने लिखा विशेषण शब्द, विशेषण का मैंने लिखा सुंदर, या फिर मैंने लिख दिया ईमानदार, ठीक है, ये दोनों शब्द लिखे। ईमानदार का स्त्रीलिंग बना दो क्या बन जाएगा? ईमानदारी। सुंदर शब्द में ता प्रत्यय जोड़ दो, इसमें भी क्या चेंज आ जाएगा? सुंदरता। तो जब इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल, इन आधारों पर अगर परिवर्तन आता है तो वो कहलाता है यहाँ पर विकारी शब्द। और बिल्कुल इसी के विपरीत क्या होगा? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। कैसे नहीं आता, ध्यान देना। अब इनमें कौन कौन से हैं पहले ध्यान दो, ये भी चार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी भी चार हैं, कौन से हैं? देखिए, पहला आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है बेटा? जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं, जैसे बच्चे बोलते हैं, बच्चे कर्ता हो गए, बोलना उनकी क्रिया हो गई, लेकिन क्रिया की भी विशेषता बताओ, बच्चे जोर जोर से बोलते हैं, तो जोर जोर क्या लग गया यहाँ पे? विशेषण लग गया।
जो शब्द क्रिया की भी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा कि बालक, मैंने लिखा बालक लगातार, है ना, लगातार 3 घंटे पढ़ता है। अब क्रिया तो हो गई पढ़ता है, पढ़ता है, लेकिन कैसे पढ़ता है? लगातार पढ़ता है। अब लगातार में लिंग चेंज करो, लगातारी होता है क्या? नहीं, पर वो इसमें लगातार में नंबर चेंज कर दो, लगातारों होता है क्या? नहीं। तो तेजी से, धीरे धीरे, लगातार, अनवरत, अविराम, है ना, इसी तरह से बिल्कुल 3 घंटे से शाम को यहाँ, या फिर परसों, कल, जहाँ स्थान से संबंधित, काल से संबंधित, रीति से संबंधित, गुण से संबंधित जो भी क्रियाओं की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, उनमें किसी भी आधार पर परिवर्तन नहीं आता है। समझ गए? दूसरा इसका आता है संबंध बोधक। मैंने क्या बोला? संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला मैं माताजी के साथ बाजार गया, माताजी के साथ बाजार गया, तो संबंध बोधक वे शब्द हैं जो वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। ये संज्ञा है, ठीक है, और ये वाक्य के अन्य शब्द है, इनसे जोड़ने वाला शब्द क्या हुआ? संबंध बोधक। के साथ, इसमें जेंडर चेंज कर दो, के साथी, नंबर चेंज कर दो, के साथों, तारक चेंज कर दो, मैं के द्वारा, मैं माताजी के द्वारा बाजार गया, मैं माताजी में बाजार गया, कारक नहीं लगेगा ना। तो जहां पर लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर किसी तरह का परिवर्तन नहीं आता है, वो किसमें आ जाएगा? संबंध बोधक में। तीसरा उदाहरण मैं लिखती हूँ यहाँ पे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक कौन से होते हैं? यानी दो अलग अलग सरल वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द हैं, जैसे और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, है ना, क्योंकि, इसलिए, इनमें चेंज आएगा क्या? मान लो किंतु है, किंता, किंतो, लेकिन है, लेकिनो, लेकिनू, कुछ चेंज नहीं आता। ये क्या है? कंजक्शंस है, संयोजक है, इनमें भी लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर किसी तरह का बदलाव नहीं आता, तो ये किसमें आ गई? अविकारी में। और चौथा आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? जो आश्चर्य का, है ना, जैसे जो हर्ष, आश्चर्य, शोक, प्रशंसा, दुख आदि के भावों को बोध कराते हैं। जैसे मैंने बोला शाबाश, तो इसको चेंज करो, शाबाशी, शाबाशों, नहीं आता चेंज, अरे, अरे वाह, है ना, छी, ऐसे कई शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन संभव नहीं है, इसीलिए हम इनको किसमें रखते हैं? अविकारी शब्दों में रखते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा वर्ण की परिभाषा, जो भाषा की सबसे छोटी और मूल इकाई होती है। वर्णों का सार्थक मेल शब्द है, जो शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है, शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है, शब्द जो है वो व्याकरण और कारक की विभक्तियों के नियमों से मुक्त होता है, ठीक है। फिर आता है शब्द को पद कब कहा जाता है, यानी शब्द को, शब्द के जो वर्गीकरण है, इस आधार पर शब्द कहाँ से आए, तो शब्द आए उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। शब्द आए बनावट के आधार पर, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। शब्द आए व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और शब्द आए अर्थ के आधार पर, एकार्थक, अनेकार्थक, विपरीतार्थक, समानार्थी, समरूपी, भिन्नार्थक। तो विकारी और अविकारी में क्या अंतर है? जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन आता है वो कहलाते हैं विकारी। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। इनमें कौन कौन से है? संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, क्रिया शब्द और विशेषण शब्द। और अविकारी क्या होते हैं? जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर कोई बदलाव नहीं आता। इनकी संख्या कितनी है? इनकी भी संख्या 4 है। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। इनमें किसी तरह का चेंज नहीं आता है। तो इस आधार पर आज हमने वर्ण, शब्द, शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि इस शब्द को पद कब कहा जाता है, यानी जब शब्द पद बन जाता है तो इस आधार पर शब्द में क्या परिवर्तन आता है, और पद होने के नाते उसमें कौन कौन से गुण होने आवश्यक है, और ये पद, पदों का वर्गीकरण, यानी पद कितने प्रकार के होते हैं और इनके नाम क्या क्या है।
तो इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कल तक। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा, जो पढ़ा है एक बार आपके पास जो भी बुक है उनमें से पढ़ने की कोशिश करना। धन्यवाद बेटा आप सभी का।